सो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते, वेलकम टू द चैनल शाइन शदी ब्लॉग। तो गाइस की हाल चाल आप लोग, ऐसा सब लोग की खैरियत चाहोगे। सो गाइस आज मैं एक नया लुक लेकर आया हूँ, मेरा हेयर को देखिए एक बार गाइस, ये सब शोरी है गाइस। सो गाइस आज मैं आप लोगों से एक बात करने जा रहा हूँ, मतलब मेरा जो SSLC का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस मेरा रिजल्ट, मतलब SSLC का रिजल्ट में कितना परसेंटेज मिला, कितना मार्क मिला, सब कुछ आप लोगों को मैं डिटेल में दिखाऊंगा। सो गाइस चलिए मेरे रिजल्ट की तरफ और मैं आप लोगों को मेरा रिजल्ट दिखाता हूँ गाइस। सो गाइस फाइनली अभी मैं आप लोगों को मतलब मेरा रिजल्ट दिखाने जा रहा हूँ। सो गाइस चलिए दूसरे मोबाइल में चलते हैं और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ मेरा रिजल्ट गाइस। सो गाइस फाइनल देखिए गाइस, ये है मेरा मतलब रिजल्ट का जो मार्कशीट है वो मार्कशीट है गाइस, ये देखिए शाहिन शाह इस्लाम। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को मतलब बोलने जा रहा हूँ मुझे कौन कौन सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क मिला। ये गाइस एसामीस है, एसामीस में मुझे टोटल मिला है 53, और गाइस इंग्लिश में मिला है मुझे 84, और गाइस जनरल मैथ में मिला है मुझे 42, क्योंकि मैं जनरल मैथ अच्छे से नहीं पढ़ता। सो गाइस बाय द वे जनरल साइंस में मिला है मुझे 52, सोशल साइंस में मिला है मुझे 64 टोटल मार्क, और गाइस उत्कृप्त में मिला है मुझे 73। अगर गाइस उत्कृप्त में मैं थोड़ा अच्छा करता तो मुझे इसमें भी लेटर मिल जाता। इंग्लिश में तो मुझे लेटर मिला है, एक सब्जेक्ट में मुझे लेटर मिला गाइस इंग्लिश में 84 मिला है मुझे। सो 84 मतलब 80 मार्क जब मिलता है तब तो लेटर, सो 84 मिला है। और अगर उठकर मैं और थोड़ा अच्छा करता अगर मैं, सो गाइस इसमें भी मुझे लेटर मिलता। सॉरी गाइस ये सब सॉरी है। सो गाइस फाइनली मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मेरा टोटल मार्क गाइस। सो गाइस मेरा टोटल मार्क चेक करिए, 600 में मुझे मिला है 66, उसके हिसाब से मेरा परसेंटेंस है गाइस 61%। ये चेक करिए गाइस 366 मार्क मिला है मुझे, उसके हिसाब से मुझे परसेंटेंस मिला है 61%। वो आप लोग हिसाब कर लेना, इधर दिया नहीं है, मतलब टोटल मार्क ही मुझे दिया है 366 गाइस। सो गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को सब कुछ डिटेल में दिखा दिया, मुझे किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क मिला सब कुछ दिखा दिया, टोटल मार्क कितना मिला मुझे, मेरा परसेंटेंस कितना है सब कुछ दिखा दिया। सो गाइस अभी आप लोग अगर मुझे कमेंट करोगे कि भाई अच्छे से अगर पढ़ता तो अच्छा मार्क मिलता, सो गाइस मैंने मुझे जितना मतलब मुझे पढ़ाई में जितना ध्यान था उस मतलब उतना ही टाइम मैंने पढ़ा। अगर मुझे एक घंटा का टाइम मिला था तो अगर पढ़ने का मौका मिला अगर एक घंटा, उसमें से मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे ही चूल मस्ता था थोड़ा टाइम, उसके बाद हाफ आवर तो अच्छे से पढ़ लेता। तो जब मेरा SSLC एग्ज़ाम चालू हुआ उस टाइम मैंने सिर्फ रात में पढ़ाई किया, दिन में कुछ भी पढ़ाई नहीं किया। दिन के टाइम मैंने सिर्फ घूमता था साइकिल लेकर, सिर्फ घूमता था अपने गाँव में पूरा घूमता था। सब लोग मुझे बोलता था कि तू फेल पड़ेगा, तेरा 3rd डिवीज़न आएगा। सो गाइस फाइनली मैंने दिखा दिया, 1st डिवीज़न लगे मैंने दिखा दिया। सो ये मेरा गर्व है कि मैंने दिखा दिया, कोई क्या बोले उसमें मेरा कुछ भी बात नहीं, मतलब नो रिएक्शन, मैं किसी का बात में कुछ भी रिएक्शन नहीं दूंगा गाइस, क्योंकि मैं जितना पढ़ा मुझे मतलब उतना ही मिला। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे 1st डिवीज़न मिलेगा, लेकिन मिल गया गाइस, मैंने अच्छे से पढ़ाई किया। कोई भी नहीं सोचा था कि इसे 1st डिवीज़न मिलेगा, लेकिन मैंने करके दिखा दिया गाइस। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को थोड़ा कुछ बोलूँगा कि अगर आप लोग अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो गाइस आप लोग पढ़ाई के लाइन में जाओ, दूसरे लाइन मत चुनो गाइस। मतलब अगर आप देख रहे हो कि मुझे पढ़ाई अच्छा लगता है, मुझे मेरा मार्क अच्छा आता है, तो गाइस आप लोग पढ़ाई में ध्यान दो अच्छे से, दूसरे लाइन पे मत जाओ गाइस। और रही बात मेरा, तो मेरा जब बचपन में जब मुझे कोई बोलता था कि तुम्हारा एम क्या है, तब मैं बोलता था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन जब धीरे धीरे जब मतलब बड़ा हुआ मैंने, तब मेरा ख्वाहिश मतलब उल्टा हो गया, तब मुझे बिजनेसमैन बनने का शौक चढ़ा था। तो इसलिए मैंने पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था और मेरा कुछ मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आया था कि मतलब मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट स्कूल में दिया गया, तो इसलिए मेरा पढ़ाई थोड़ा ख़राब हो गया। सो ये टॉपिक में हम लोग बाद में बात करेंगे। सो गाइस अभी मतलब गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा था, लेकिन मेरे लिए बहुत हार्ड था, तब भी मैंने अच्छे से पढ़ाई किया और मुझे इतना मार्क मिला। सो गाइस आप लोग मेरा जैसा गलती मत करना कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ोगे उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ोगे। सो गाइस मेरा तो गलती हो गया था, तो मेरा गलती और कोई नहीं, मेरा गार्जियन ही कराया था ये गलती। सो आप लोगों से मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। सो बाय द वे
आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं मुझे हाई सेकेंडरी में अच्छा मार्क मिले। सो गाइस इतना ही बोलना था कि मेरा सिचुएशन मतलब उस टाइम पे मेरे साथ क्या बीत रहा था कि जब मैं मुझे प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में दिया गया उस टाइम मेरे साथ क्या बीत रहा था वो मैं ही जानता था। तो बस आप लोग दुआ करिए कि मुझे आप हाई सेकेंडरी में अच्छा मार्क मिले। बस मैंने हाई सेकेंडरी में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया हूँ। सो बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना बस इतना ही कि मुझे हाई सेकेंडरी में अच्छा मार्क मिले। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही था। और गाइस मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइस जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और मुझे 1K में पहुँचा दो गाइस। सो बाय द वे गाइस आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग ये जो पॉन्ड दिख रहे हो गाइस, इस पॉन्ड में मैं क्या चैलेंज का वीडियो बनाऊँ, क्या स्विमिंग का चैलेंज का वीडियो बनाऊँगा, आप लोग कॉमेंट करो जल्दी से जल्दी। इस पॉन्ड में हम लोग चैलेंजिंग का वीडियो जल्दी ला रहे गाइस। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो गाइस एक लाइक कर देना चैनल में, अगर गाइस नया हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस। सो गाइस बाय द वे इतना ही। और मेरा बाल चेक करिए गाइस एक बार, मैंने ये बस शौक के लिए किया हूँ गाइस। और छपरी अपरी कॉमेंट मत करना, आप लोग एक बार चेक करिए गाइस, ये बस शौक के लिए गाइस, मेरा शौक था कि मैं ऐसा बाल एक बार बनाऊंगा और गाइस आप शौक पूरा हो गया गाइस। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, बाय।